नमस्कार, मैं डॉक्टर विग्लाल मदर हॉस्पिटल हिसार से। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरली टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। जनरली क्या होता है, मधुमेह एक ऐसी साइलेंट किलर डिजीज है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं लगता जब तक उसके शरीर में इतनी चीजें धीरे धीरे उसकी किडनी को डैमेज करने लग जाती है, उसके लीवर को डैमेज करने लग जाती है और धीरे धीरे कह सकते हैं उसके पूरे शरीर को डैमेज कर देती है। जितना भी आपने देखा होगा, लगभग एम्पुटेशन के जो 60% केसेज हैं, एम्पुटेशन मतलब आपके जो किसी डिजीज की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से जो अंग खराब हो जाता है उसको काटना, अगर 60% जो केसेज एम्पुटेशन के होते हैं वो जनरली डायबिटीज की वजह से होते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे सीवियर आंकड़ा आता है, जो सबसे गंभीर और चौंकाने वाले आंकड़े, इंडिया आने वाले 2 साल में डायबिटीज की एक नेशनल कैपिटल बन जाएगा, इंटरनेशनल कैपिटल बन जाएगा, मतलब इंडिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज होंगे। डायबिटीज के साथ साथ उनमें सबसे कॉमन आने वाली समस्या देखी जाती है जो है उनमें सेक्स की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक और फैक्टर है जो टाइप 2 डायबिटीज की ओर अग्रसर होता है, जितने भी लोग लेट शादी करते हैं, जितना वो धीरे धीरे उनकी बॉडी में जितना वो लेट शादी करते जाते हैं उतना उनके संतान पैदा करने में समस्या आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली डायबिटीज आपकी केवल एक चीज को नहीं, पूरी बॉडी पूरे मेटाबॉलिज्म को वो कर देती है। टाइप 1 डायबिटीज में चांसेस होते हैं क्योंकि बॉडी उसमें इंसुलिन कभी बना ही नहीं पाती, इसलिए उसमें क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज में हमें टाइम लग जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज आपकी आसानी से क्योर हो सकती है। उसमें क्या होता है, जनरली टाइप 2 डायबिटीज में आपकी बॉडी से इंसुलिन निकलता तो है, रिलीज होता है, लेकिन वो ग्लूकोज के साथ बाइंड अप नहीं हो पाता। जब वो ग्लूकोज के साथ बाइंड अप नहीं हो पाता तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन फैलता जाता है और इंसुलिन जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर को इंसुलिन अपटेक नहीं कर पा रहा और वो अपटेक नहीं कर पा रहा तो पूरी बॉडी में फैल जा रहा है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज आराम से रिवर्स कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2-3 महीने कंटिन्यू आयुर्वेदिक दवा खानी होती है। एक अन्य, आयुर्वेद में जितनी भी दवाएं सारी हमारी नेचुरल चीजें सब, लेकिन एलोपैथी में जनरली क्लिम्प्राइड, मेटफॉर्मिन यही साल्ट आते हैं, इन सब में यूरिया होता है। जनरली डायबिटीज में जितने साल्ट हो 3 साल्ट होते हैं, तीनों में यूरिया है। अगर आपने वो लंबे टाइम तक सेवन कर लिया उनका तो आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, डायबिटीज पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ कब ज्यादा अच्छा असर दिखाती है, जब आपने कभी भी एलोपैथी दवाओं का अगर सेवन नहीं किया, आप न्यूली डायग्नोज हुए हैं डायबिटीज से, आपको अभी पता लगा है कि आपको डायबिटीज अभी अभी हुई है, पिछले 1-2 महीने में आपने जनरल बॉडी चेकअप करवाया तब आपको पता लगा कि आपको डायबिटीज आई है, आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, आपका HbA1c 6 से ज्यादा आ रहा है, तो आप डायबिटीज की से पीड़ित हैं। और आपने अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपको बेझिझक बिना किसी हिचकिचाहट के केवल 2-2.5 महीने की आयुर्वेदिक दवाओं से आप अपनी डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और आप डायलिसिस की तरफ जाने से बच सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने एलोपैथी साल्ट इनटेक करना स्टार्ट कर दिया तो पेशेंट कहते हैं कि सर हमारी शुगर ठीक रहती है, जनरली हम लेते रहते हैं, वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तब ठीक है, अगर आप उनको एक दिन भी बंद कर देंगे तो आपका शुगर लेवल शूट अप कर जाएगा एकदम से। वो जनरली क्या होता है, वो सप्रेस करके रखते हैं, उसको कभी भी कंट्रोल नहीं करते। अगर वो कंट्रोल करके रखते तो आप उनको छोड़ के देखिए, अगर आप मान रहे हैं कि आपके अंग्रेजी दवा खाते हुए 1 साल हो गया, 3 महीने अगर आपकी शुगर कंट्रोल में, तो आप उसको 5-10 दिन बंद करके देखिए, फिर बताइए आपका शुगर लेवल बढ़ाया नहीं। और आयुर्वेद की दवाओं से अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आता है तो कभी भी दोबारा नहीं बढ़ता है। दूसरा एक सबसे बड़ी क्या समस्या होती है, जितनी भी एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है डायबिटीज के लिए, वो खून को गाढ़ा कर देती हैं। जितना आपका खून गाढ़ा होता चला जाएगा उतने आपकी बॉडी में हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपका हाइपरटेंशन की तरफ, आप ग्रेड 2 की तरफ, अगर ग्रेड 1 से ग्रेड 2 की तरफ चले जाएंगे, मतलब हाइपरटेंसिव, आर्थरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोमिगेली, इन सब के चांस बढ़ जाते हैं। जितना जितना हार्ट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से चीज बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप एलोपैथी की तरफ जाने से पहले आयुर्वेद जरूर अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद ही चुने वही आपके लिए सही है, आपकी बॉडी में वही चीजें जाएंगी इससे जिन चीजों से आपकी बॉडी बनी है, इसमें कोई केमिकल एडिड चीजें नहीं होती, कुछ नहीं होती, केवल नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल में आती है। अब जनरली लोग कहते हैं सर गारंटी क्या होती है कि आपके टाइप आपके ट्रीटमेंट से टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो जाएगी। अगर आप, मैं आपको जो दवाएं देता हूँ उसके साथ आप अपनी लाइफ के रूटीन को ठीक रखते हैं, मैं जो आपको लाइफ का रूटीन दूंगा, आपकी डाइट का रूटीन दूंगा, उसको आप फॉलो करते हैं, तो 5-10-15 दिन में ना सही, महीने के अंदर अंदर आपको आपकी शुगर लेवल कंट्रोल आती है। महीने के अंदर अंदर आपको शुगर लेवल, आपको बॉडी को, अपनी बॉडी को लगने लग जाएगा, आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ अब मेरी शुगर कंट्रोल में आ रही है, अब मैं पहले जैसा लेथार्ज नहीं रहता, अब मैं पहले जैसे मेरे एकदम से, मतलब जो बॉडी में क्या कहते हैं, एकदम से जो सुस्ती छाई रहती थी वो नहीं रहती, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आपको अगर डायबिटीज से संबंधित कोई भी समस्या है, डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, रेटिनोपैथी,
इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्पर्म चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।